मामा जी मैं आपसे आखिरी बार मिलने आया हूं। अरे खड़े खड़े कहां जाने का प्रोग्राम बना लिया? हाँ कहीं भी जाऊंगा, पर जिस घर में अन्न का अपमान होता हो वहां पर मैं एक पल भी नहीं रुक सकता। अच्छा तो ये गुस्सा है तुम्हें? देखो राजू, मैं अभय को लेकर बहुत सेंटिमेंटल हूं, पर तुम जानते हो कि उसी वक्त अनसुया आ गई और मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सका। इसका मतलब ये नहीं कि आपने जो किया वो ठीक किया। मैं मानता हूं राजू, मुझसे गलती हो गई। अरे आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप थाली पटक दे, अनाज फेंक दे? लोग इस देश में दाने दाने को तरसते हैं और आप हैं कि? अरे बाबा मैंने कहा ना मुझसे भूल हो गई। वैसे भी मैं आजकल देख रहा हूँ आप मामा जी के साथ बहुत उखड़ा उखड़ा से व्यवहार करते हैं। राजू मैं क्या करूं, मेरे दिमाग में 100-100 घोड़े दौड़ते रहते हैं। अरे ये तो उनकी शराफत है जो आपका इतना अपमान सह लेती है। पर आप जरा सोचिए, आज आप उनका अपमान कर रहे हैं, कल बहू हैं बेटे उनका अपमान करेंगे। नानी माँ तो वैसे भी मौके ढूंढते रहती हैं उनको अपमानित करने के। आप तो समझ सकते हैं। ठीक है राजू तुम ठीक कह रहे हो। बस तो मामी जी से माफी मांग लीजिए। माफी और अनसुया से? हाँ आप छोटे नहीं हो जाएंगे माफी मांगने से। अरे माँ अन्नपूर्णा जैसी मेरी मामी को आपने सताया है, आपको मामी की माफी मांगनी ही पड़ेगी। ओके ओके आई एम सॉरी। बस सॉरी मुझसे नहीं मामी जी से कहना, वरना मैं चला। तुम रुको, मैं चला माफी मांगने।